आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नेताओं ने चुनाव को लेकर दिए अलग अलग बयान। नगर परिषद ओमकारेश्वर के 15 वार्डों में होने वाले चुनाव को लेकर मतदाताओं की चुप्पी के साथ साथ कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी नेताओं के शासन निर्दलीयों को भी सम्मान देकर पार्टियों द्वारा दी गई मालाओं से दर पर आने वाले प्रत्येक प्रत्याशी का पुष्पहार से स्वागत मतदाता कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से भी एक कदम आगे जाकर मतदाता अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सभी को विजयी होने का आशीर्वाद दे रहा है। ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना विकास कार्य कुछ भी समझ से परे है। नगर परिषद चुनाव की अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, मतदाताओं की पूछ परख बढ़ने लगी है। मतदाता भी अपनी बढ़ती राजनीतिक दल और निर्दलीय द्वारा पूछ परख का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। कुछ वार्डों में लक्ष्मी नारायण काका के चलने की अफवाह भी है। वार्ड नंबर 8 में तो लक्ष्मी नारायण से की जाने वाली भेड़ पूजा को लेकर प्रत्याशी आमने सामने होकर थाने में रिपोर्ट कराने भी पहुंच चुके हैं। पिछली भाजपा की परिषद में किए गए वादे पूरे नहीं होना भाजपा प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चुनाव में किसी प्रकार कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा। भाजपा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज ओमकारेश्वर में जमे हैं, वहीं भाजपा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। येन केन प्रकारे इन तरीके से नगर परिषद के 15 वार्डों में पार्षदों को विजयश्री का ताज पहनाकर परिषद बनाने के लिए भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी भाजपा द्वारा किए गए वादों को लेकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। टिकट वितरण में कांग्रेस जहां तक सफल रही तो वहीं भाजपा के टिकट वितरण में वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दरकिनार करते हुए कुछ एक लोगों ने वरिष्ठ नेताओं को भ्रमित कर टिकट वितरण करवाने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली, किंतु टिकट की आस में भाजपा से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी भाजपा में सेंध लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। तथा यहां पर मांधाता विधानसभा में कांग्रेस से आए विधायक नारायण पटेल, जिन पर वरिष्ठ भाजपा जनों की उपेक्षा के भी आरोप इस परिषद में टिकट वितरण के दौरान लगे हैं। अब इसका क्या प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, किंतु भाजपा की छवि को धक्का जरूर लगा है। ओमकारेश्वर में वैसे तो हर तीसरे परिवार का एक सदस्य भाजपा में और एक कांग्रेस में है, इसलिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वोट किस करवट बैठेगा। भाजपा एवं कांग्रेस के एवं निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं के साथ साथ भगवान ओमकारेश्वर, माँ नर्मदा व अन्य मंदिरों में दस्तक देते नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के चुनाव रोचक के साथ अभूतपूर्व हो चुके हैं। अभी कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है कि 15 वार्डों में कितने कांग्रेस, कितने भाजपा, कितने निर्दलीय प्रत्याशी विजय श्री का ताज पहनकर नगर परिषद ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। मिलीजुली सरकार बनने के आसार वर्तमान स्थिति में नजर आ रहे हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर माहौल दिन ब दिन गर्माने लगा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज 5 बजे से ढोल बाजे के साथ प्रचार बंद हो जाएगा। अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटीदार, विधायक नारायण पटेल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संतोष वर्मा ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोटिंग करने की अपील की। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, पूर्व विधायक राजनाथ सिंह तथा कांग्रेसी नेता उत्तम पाल सिंह, कांग्रेस नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित, कांग्रेस नगर अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में ओमकारेश्वर के समस्त वार्डों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वर्तमान दोनों दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को किसी भी प्रकार लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के झंडे, बैनर व प्रचार तेजी से चल रहा है, वहीं कांग्रेस ने कार्यालय तक नहीं खोला। एक छत पर दोनों पार्टियों के झंडे लगे देखे जा रहे हैं। आजाद न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आज की जाए, ऐसा है कि नगर पंचायत का 15 वार्ड में चुनाव हो रहा है। आम मतदाता प्रचार करने जाता है तो आम मतदाता पूछता है कि हमारा क्या होगा। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में और दिल्ली में डबल इंजन और नगर पंचायत में उनकी थी ट्रिपल इंजन की सरकार ने ओंकारेश्वर को तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसे टूरिज्म बना दिया है और टूरिज्म के नाम पर ओंकारेश्वर को उजाड़ा जाएगा। अरे भाई, तुमको उजाड़ना हो तो उजाड़ दो, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग उजड़ जाएंगे, मैं जिस दुकान पे बैठा हूँ ये शंकर जी बेचते हैं, तो जब ये यहाँ से 80% लोग बाहर चले जाएंगे तो ये शंकर जी फिर कहाँ बेचने जाएंगे। तो सवाल यह है, अर्जुन सिंह जी के ज़माने में नाव वालों को 5-5 एकड़ ज़मीन दी थी,
तो सरकार ये सारी चीजों की व्यवस्था करे ना कि लोगों का भविष्य क्या क्या होगा। लोगों के साथ कोई छोटा मोटा धोखा नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है। नगर पंचायत के वोट और चुनाव जो है वो उसकी जगह है, लेकिन जो लोग बेघरबार होंगे, भाई तुम चलो मान लिया कि मत पट्टा दो, इंदिरा सागर में आपने जमीन के पैसे नहीं दिए, आपने जमीन के पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर था उसके पैसे दे दिए, यहाँ समस्या मुआवजे की नहीं है ओंकारेश्वर में। यहाँ समस्या इस बात की, इस भोलेनाथ के खाते में पूरे ओंकारेश्वर के लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जब लोगों का विस्थापन यहाँ से बाहर आप कर दोगे तो आखिर लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये बहुत मुख्य प्रश्न है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सब दूर सरकार है और वो ना तो मास्टर प्लान को क्लियर कर रहे हैं, भाई ये पुरोहित जी की दुकान से लगा के मंदिर तक, मंदिर से उस तरफ वो तुम्हारे दीक्षित जी भूमेश्वर इनके मकान है, ये सब जाना है, 15 नंबर जाना है, 6 नंबर जाना है, 8 नंबर जाना है और 4 नंबर जाना, ये जितना मोटा एरिया है ओंकारेश्वर का, बहुत मोटा नुकसान हो रहा है। और नुकसान आप भाई एक बात बताओ, जोशीमठ में विकास के नाम पे बर्बाद कर दिया, आप कुछ करो, हमारी उसमें कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन लेकिन आपको आपको इस पे विचार करना चाहिए, ये सारी चीज लोगों को बताना चाहिए और इतना बड़ा धोखा लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। मैं आम मतदाता को हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु सिंघा महाराज की जय। आपका परिचय? ठाकुर राजनारायण सिंह, ग्राम पुरनी में 9 जनवरी 1951 को जन्म हुआ है और इसी विधानसभा से 3 बार विधायक रहा हूँ। जनता पार्टी पहले भी जीती है और हमारे विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान भोले से ये प्रार्थना करने जा रहे हैं, सभी हमारे पार्षद साथियों के साथ, पार्षद के हमारे प्रत्याशी है उनके साथ में, कि भगवान शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश ने विकास किया है, जिस प्रकार ओंकारेश्वर का विकास हुआ है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास किया, उनके विकास की गति को ध्यान में रखते हुए भगवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यश देना, जनता के बीच में हम जाने के लिए तैयार हैं और जनता हमेशा मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ देती है। भाजपा का कार्यकर्ता विकास के साथ होता है और हमारे विधायक जी ने जो इस क्षेत्र में विकास किया, जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनकी सक्रियता है, उसको देखते हुए हमारे ओंकारेश्वर भारतीय जनता पार्टी की पुनः हम परिषद बनाने जा रहे हैं। इसके पूर्व की जो परिषद था उनका मत परिवर्तन का जो मुद्दा था वो अबर अभी आधार में है, क्या नई जो परिषद बनेगी इसको प्राथमिकता के आधार पे इस मत परिवर्तन वाले मुद्दे को उठाएंगे आप? जो कि नई परिषद आती है तो नया कार्यकाल चालू होता है, पुरानों का कार्यकाल पुराना इतिहास पुराना रहता है। आने वाले समय में जो भी हमारी परिषद बनेगी, जो ओंकारेश्वर के विकास की बात होगी, विकास की जो भी योजनाएं होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इतना ही कह सकता हूँ। फार्म भरे गए, उठाए गए और हमारे विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और हमारे ओंकारेश्वर के समस्त कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि ये पार्टी सर्वोपरि विचारधारी वाली पार्टी है। पार्टी ने अगर निर्णय कर दिया तो वो निर्णय को आप स्वीकार करके, अभी हमारे 2 प्रत्याशियों के समर्थन में आज 2 लोगों ने हमको समर्थन दिया, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया और आने वाले समय में भी जो भी हमारा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे होंगे उनको हम समझाएंगे, वो हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे विचारधारा के, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। आपका परिचय? अभी ओंकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी।